हेलो एवरीवन, वेलकम टू कुशिका एजुकेशन। मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ लैंग्वेज इन कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर की टाइप ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, थ्री मेन काइंड ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं हमारी, मशीन लैंग्वेज, ठीक है, असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। तो ये क्या होती है, इनको समझना है, इनको रटना नहीं है। देखो, मशीन लैंग्वेज का क्या मतलब है, जिसको मशीन समझती है। कंप्यूटर एक मशीन है, ठीक है, जिस लैंग्वेज को कंप्यूटर समझता है उसको मशीन लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। तो जो मशीन लैंग्वेज है, ठीक है, वो 1-0 से मिलकर बनी होती है। मान लो आपको कोई चीज़ लिखनी है, आपको अपना नाम लिखना है मोहन, ठीक है, या फिर श्याम, या फिर राम, राधा, ये आपको कोई नाम लिखना है, तो आप क्या करोगे, ऐसे लिखोगे उसको 1-0, 1-0, 1-1, ऐसे कुछ स्ट्रिंग्स में। तब कंप्यूटर को समझ में आएगा कि ये 4-5 जो बिट्स हैं ये मिलकर कोई नाम बना रही है। ठीक है, आपको ये स्ट्रिंग याद रखनी पड़ेगी। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि इनिशियली जब मशीन लैंग्वेज ही थी तो जो प्रोग्रामर्स थे उनके लिए कितना डिफ़िकल्ट रहता होगा ये सब चीज़ें याद रखना। बट जो कंप्यूटर प्रोसेसिंग करता है, कंप्यूटर की बहुत फास्ट कैलकुलेशन होती है, तो इसलिए कंप्यूटर का यूज़ किया गया था। तो आप यहाँ पे देखिए, मशीन लैंग्वेज क्या होती है, इट इज़ अ लैंग्वेज ऑफ मशीन कंसिस्टिंग ऑफ बिट्स 1 और 0 पुट टुगेदर इंटू चंक्स लाइक बाइट्स। यानी कि आपको पता है कि जो 8 बिट होती हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, 1 byte। ठीक है, तो हम इसी तरीके से कई सारी बिट्स की हेल्प लेते हुए चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, तो लोट्स ऑफ अदर लार्ज साइज़, यानी कि बहुत और भी बड़ी साइज़ की हो सकती हैं। तो जो मशीन लैंग्वेज होती है, ठीक है, बहुत पुराने टाइम में यूज़ की जाती थी। तो और इवन डिजिट्स की हेल्प से ही हम कोई पिक्चर रिप्रेजेंट करते थे कंप्यूटर पर, जिसको कंप्यूटर समझता है। ठीक है, 1 और 0 के अलावा किसी चीज़ का यूज़ नहीं होता, उसको हम मशीन लैंग्वेज बोलते हैं। अब आती है आपकी थोड़ी सी एडवांस फॉर्म में, थोड़ा सा इजी हो गया प्रोग्रामर्स को। उन्होंने क्या स्टार्ट किया, जो 1-0-0-1-1-1 समथिंग ऐसी कोई स्ट्रिंग बनाई, ठीक है, उसको उन्होंने कुछ नाम देने स्टार्ट कर दिए अल्फ़ाबेटिक। जैसे मैं इसको कह दूं कि आपका ABC, या फिर रीड कह देती हूं कि इसको रीड करना है, या फिर मैं इसका नाम दे देती हूं मोहन, ठीक है, और इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो एक ऐसी लैंग्वेज बनाई गई, ठीक है, जो मैनीमोनिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट की गई। जहाँ भी आपका मैनीमोनिक्स आए तो उसका आंसर आपका असेंबली लैंग्वेज है, यानी कि वो असेंबली लैंग्वेज से रिलेटेड है, ये ध्यान रखना। असेंबली लैंग्वेज में वहाँ पर हमें सब कुछ 1-0-1-0-1 की फॉर्म में ही लिखना होता था, लेकिन यहाँ पर हम कुछ अल्फ़ाबेट इंग्लिश की स्ट्रिंग्स यूज़ करने लगे। तो यहाँ पे देखिए, आपका असेंबली लैंग्वेज में, असेंबली लैंग्वेज इज लिटिल ईजियर देन मशीन लैंग्वेज बट नोट मच। इट यूज़ मोर कन्वीनियंट नंबर सिम्बल एब्रीवेशन टू डिस्क्राइब द ह्यूज स्ट्रिंग ऑफ 1-0 टू मेक इट ईजियर फॉर और मेमोरेबल टू द इंस्ट्रक्शन। अभी देखिए, मैंने आपको एक बात कही कि जो कंप्यूटर है उसको सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझ में आती है, ठीक है। तो जब हम असेंबली लैंग्वेज, ये मैंने आपको बोला कि आप जैसे रीड लिख दोगे तो ये कंप्यूटर को कैसे समझ में आएगा, इसके लिए हमने बीच में एक डिवाइस बनाया जिसको बोलते हैं असेंबलर, ठीक है। अब ये असेंबलर क्या करेगा, या फिर आप अपना नाम ले सकते हैं, जो भी आपका नाम है यहाँ पे, जैसे मैं मोहन बोल रही थी या राधा बोल रही थी, वो हमने लिखा, ये हमने असेंबलर में डाला। असेंबलर ने क्या किया, इसको अगेन मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया, अब वो कंप्यूटर को समझ में आएगी, ठीक है। तो हमने बीच में एक चीज़ इंट्रोड्यूस कर दी जिसको बोलेंगे असेंबलर। असेंबली लैंग्वेज में क्या किया, हम कुछ कुछ मैनीमोनिक्स यानी कि कुछ अल्फ़ाबेटिक वर्ड्स, कुछ इंग्लिश की स्ट्रिंग्स हम यूज़ करेंगे। तो अब वो जो स्ट्रिंग्स हम यूज़ करेंगे, स्ट्रिंग्स यानी कि कोई ना, अभी आप फॉर एग्जांपल, आप आसपास में जितने भी आपके लोग हैं उनको आप 1-0-1-0-1-0-1 नाम दे दो, ठीक है, आपके भाई बहन का नाम 1-0-1-0 नाम हो, तो वो याद रहना मुश्किल होगा, लेकिन मोहन, सोहन, ये नाम याद रहने ईजी हैं। तो इसलिए अल्फ़ाबेटिक जो प्रोसेस थी असेंबली लैंग्वेज में वो असाइन की गई, और उसको फिर असेंबलर लगाकर उसे मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट किया गया। लेकिन असेंबली अभी भी लो लेवल लैंग्वेज ही है, क्योंकि वो कुछ ही मैनीमोनिक्स, कुछ ही टर्म्स को समझती है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर आपकी आई जो कि हम आज भी यूज़ करते हैं, हाई लेवल लैंग्वेजेस, ठीक है। हाई लेवल, अभी इनके कुछ एग्जाम्पल देखेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में,
कि कौन सी C++, जावा, फोरट्रेन, कोबोल, ये लैंग्वेजेस के नाम जो होते हैं इनमें से कौन सी हाई लेवल लैंग्वेज है, कौन सी लो लेवल लैंग्वेज है, उसके लिए आपको इन तीनों में डिफरेंस बताना बहुत ज़रूरी था। तो हाई लेवल लैंग्वेज में क्या हुआ, देखो हाई लेवल लैंग्वेज में हम प्लेन इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट यूज़ करने लगे, जैसे इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी देन से ही इज़ रिच, ठीक है। तो इस टाइप की स्टेटमेंट हम यूज़ करने लगे हाई लेवल लैंग्वेज में। अगेन वही बात आती है कि लेकिन कंप्यूटर तो क्या समझता है आपका, मशीन लेवल लैंग्वेज। तो हमने फिर से क्या किया, एक और डिवाइस, जब हम हाई लेवल लैंग्वेज लिखते थे तो उसको कंपाइलर में भेजते थे, ठीक है। एक डिवाइस का नाम है कंपाइलर, जो हाई लेवल लैंग्वेज से क्या कन्वर्ट कर रहा है, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है उस कोड को। जैसे आपने जो भी स्टेटमेंट लिखी यहाँ पे, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी देन ही इज़ रिच, तो उसको हम कह सकते हैं, तो फिर वो कंपाइलर में वो स्टेटमेंट जाएगी, कंपाइलर उसको 1010 की फॉर्म में बनाएगा और वो मशीन में कन्वर्ट हो जाएगी और फिर उस मशीन लैंग्वेज को कंप्यूटर समझेगा। तो हाई लैंग्वेज, जो हाई लेवल लैंग्वेज है उसको मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ध्यान रखना कंपाइलर यूज़ करते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है आपकी, बिल्कुल इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट ही होती हैं उसमें, ठीक है, और किसी भी कंप्यूटर पर वो चल जाती हैं, ठीक है। तो और जो असेंबली होती है उसमें भी आपका मीन्स पर्टिकुलर कंप्यूटर्स पर ही चलती है, ऐसा नहीं होता कि किसी भी कंप्यूटर्स पर चल जाए वो। आगे इनके और भी अगर मीन्स, वैसे तो इतना डीप में आपका नहीं पूछेंगे, बट स्टिल अगर थोड़ा सा और टॉपिक को एलिब्रेट करने की ज़रूरत पड़ी क्वेश्चन के हिसाब से तो वो साथ के साथ करते रहेंगे। असेंबली लैंग्वेज में एक बार रिपीट कर रही हूँ पूरा का पूरा आपका, मशीन लेवल लैंग्वेज में क्या था आपका, मशीन लेवल लैंग्वेज में डायरेक्ट कंप्यूटर में आपने मशीन 10101 डाला, लेकिन असेंबली में आपने क्या किया, इसको एक नाम दे दिया रीड, यानी कि मैं रीड कर रही हूँ कुछ, फिर यहाँ पे मैंने एक असेंबलर लगाया, असेंबलर लगा के मैंने उसको मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, असेंबलर। देन फिर मेरे को क्या, मैंने क्या किया, हाई लेवल लैंग्वेज जब डेवलप हुई आपकी, वो इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट्स हम उसमें यूज़ करते थे, फिर लेकिन कंप्यूटर सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझता है, तो हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करने के लिए हमने कंपाइलर लगाया, ठीक है, कंपाइलर लगाया और कंपाइलर ने फिर उसको मशीन लेवल लैंग्वेज में चेंज कर दिया। तो हमने तीन लेवल ऑफ लैंग्वेज पढ़े, तो इसमें इसके बाद हम देखेंगे कि कंपाइलर और जो आपका असेंबलर है उसमें क्या डिफरेंस होता है, ये एक अलग टॉपिक है, तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे और कंप्यूटर की जनरेशन भी करेंगे। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था सो दैट कि आपका अगर इस टाइप का आपका कोई क्वेश्चन आता है लैंग्वेजेस पर तो आप वो बिल्कुल करेक्ट करके आओगे, और आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। हिंदी में इसलिए नहीं लिखा क्योंकि कंप्यूटर की जो टर्म्स होती हैं वो हिंदी में बहुत मुश्किल होती हैं, अगर आप पेपर अटैम्प्ट भी करना चाहोगे हिंदी में, कंप्यूटर का पेपर आप हिंदी में अटैम्प्ट करना चाहोगे तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जो भी हिंदी मीडियम के बच्चे हैं तो मैं उनको यही सजेस्ट करूँगी कि आप अपना जो कंप्यूटर पढ़ोगे वो प्लीज़ इंग्लिश लेवल में ही पढ़ना, इंग्लिश लैंग्वेज में ही पढ़ना, क्योंकि अदरवाइज़ जो टर्म्स होती है वो इतनी ज़्यादा भारी भरकम होती है कि हमें हमारे बिल्कुल सर के ऊपर से जाती है, कुछ समझ नहीं आता है, इसीलिए मैंने हिंदी में नहीं लिखा। और हिंदी की टर्म्स ढूंढना भी मैंने देखा नहीं है कि कहीं पे लिखी होती है हिंदी की टर्म्स। तो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा और आप लोगों को लगता है कि कुछ जो कंप्यूटर के टॉपिक हैं आप लोगों को एक्सप्लेन किए जाएँ तो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में डाल के कि ये टॉपिक आपको कवर कराना है, बाकी अदरवाइज़ हम अपनी तरफ से जो हमें लगेंगे कि हाँ आपको इतना बेसिक तो पता ही होना चाहिए तो वो हम टॉपिक आपको डेली कराएंगे। डेली इन द सेंस कि हमने बोला कि तीन कंप्यूटर की वीडियो आएंगी आपकी हफ्ते में, तो ये आपकी दूसरी थी, एक और आ जाएगी अभी एक दो दिन में। तो इसी तरीके से हम कंप्यूटर कवर करते चलेंगे, बाकी भी आपके जो सेक्शन है वो कवर हो रहे हैं, पैडागोजी वगैरह, साथ में हमारी NCERT भी चल रही हैं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी एग्ज़ाम की तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू। कुशिका एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें, सभी न्यू अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो आपको जितनी नई वीडियोस डाली जाती हैं उन सबके नोटिफिकेशन मिलेंगे।